बीवी के सर पर हथौड़े से वार करके जालिम शोहर ने बीवी की खोपड़ी तोड़ दी। आइए देखते हैं इसकी मजीद तफसीलात। सुबह से तो मारने के आवाज से ढूंढ रहा था हमारा ये रऊफ लाला जो है ना, ढूंढ रहा था उन्हें, तो उन्हें मिली तो बस्ती ने मेरे हाथों से बोल के बोला। तो हमारी बहन छुपके रह रही थी, कपड़े डाल लेके निकल गई, मामू के पास थी। 5 बजे के टाइम पे इनके साथ आए, कहाँ पर है तू बोले, तो मुंबई को चल जा रही हूँ बोल के हमारी बहन बोली। मुंबई को चल जा रही हूँ मैं, नहीं आ रही हूँ मैं बोल के बोल डाली। बोल देने के बाद हाँ नहीं, उनकी वाइफ को रऊफ लाला जो है ना, जो हमारी बहन से शादी करे ना, रऊफ लव मैरिज करे करने के बाद उन्होंने जो है सो चले गए। चले जाने के बाद जो है सो 5 बजे इन्हों भी चले गए, रऊफ लाला भी चले गए। जाने के बाद जो है सो उन्होंने क्या करे, हमारी बहन है जो मारे ना साली को, हमारी बहन रुखसाना बेगम आके ऐसा बैठे। बैठने के बाद जो है सो रऊफ लाला की हमारी बहन आई। आने के बाद जो है सो शोहर को फोन करी, मैं आ गई यहाँ पर इरफाना के घर पे हूँ, मेरी बहन के घर पे हूँ, सिस्टर के बोल के मामू की बेटी के घर पे हूँ बोलते कि सीधा है, चल बुरखा पहन हाथा पाना तोड़ देता हूँ तेरे बोल के बोले। तो हमारी बहन जो रुखसाना जो हमला करे उस जिसके ऊपर, उन्होंने बोले, उन्होंने ये बोले ये कि आप मारो नको, बात से बात करो बोल के बोले। तो हमारी बहन जो क्या हमारी बहन जो बोले मैं नहीं आती आपके साथ बोले, तो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ डाले और मेरे को कान भैरी मारे, और हमारे जो बहन है ना रुखसाना अभी सीरियस है, उनको जो है हथौड़ी लेके दो जगह सर पे मार दिए, इधर की माइंड की हड्डी डैमेज हो गई। अभी 2 घंटे के बाद ऑपरेशन है उनका। आपसे हम लोगों से ये गुजारिश है कि उन लोगों उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप लोग। और ये गांजा ड्रग्स जो भी अंजुमन कॉलोनी में रहता हूँ, नशे में थे, और मेरे को भी उन्हें हथौड़ी से मारने आ रहा था, तो मेरी बहन जो है उसके छोटे बच्चे है बोलकर पैराम पड़ी, तो जब छोड़ के भागा मैं चंद्रन गुटे में क्या करता हूँ और घर पे लेके जाके रखता हूँ, अगर तेरे है ना दूसरे आए तो मुंडिया काट के बाहर फेंकता हूँ बोल के बोला ऊपर से। ये धमकियाँ दे रहा रॉडी शीटर है कि गुंडा है कि क्या है कि भाई ऐसे बात करने वाला उन्हें छे वो बीएसएन का रिकॉर्ड है, उनका हर पीएस में रिकॉर्ड है उनका। बीएस वाले बोलते हैं उनके हमारी बहन का मूवमेंट ऐसा कर दिया पूरा खून में लिख पी था ना, सीरियस है बोलते हमारे को, सुने ना डरा के रखने वाले। 6:30 बजे मेरी बहन के ऊपर हमला किया गया है, रऊफ लाला नाम है, और जो इंसान है वो हैवान है, इतना ही बुरा तरीके से मारा है मेरी बहन को। 90% कोमा में चले गए मेरे सिस्टर, अभी उनका हस्बैंड भी डेड हो गया है, बेचारे बेवा जिंदगी जी रहे थे, अब उनको भी जो तो अल्लाह के पास पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वो हमारे भौनी है मेरे, हाँ जो मैरिड करे अभी 6 मंथ हुआ मैरिड करके, उसके बाद एक्शन जो होता अभी पीएस को आए, अभी उस्मानिया में ट्रीटमेंट इतना भी 90% पे छोड़ दे के हम लोग भाग के इधर आए। अगर इधर कोई भी मम्मी हमारे अम्मी के पास कोई भी नहीं रहे, हमारे पास हमारे अम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, ये बहन को फिक्सा आते हैं, ये मामू की बच्ची है मेरी, इन्होंने जो तो पूरा खून में लिखपित हो गए, मैं भी पूरा शर्ट टी शर्ट पूरी खून में लिखपित हो गए, मेरे साड़ू भी खून में लिखपित हो गए। मारने की वजह कुछ भी नहीं, मेरे भौनी जो तो बहन जो वाइफ को उनकी वाइफ थी ना उनको मार रहे थे, तो कल से टॉर्चर चल रहा था, और जो तो गांजा नशा सब ड्रग्स पूरा टोटली लेते हैं उन्होंने, नहीं बेचते भी सेल भी करते हैं उन्होंने, हमारे को आज तक नहीं मालूम था ये जो करते तो कामा, जैसा हमारे को इन्फॉर्म हुआ तो हमारे बहनों के ऊपर अटैक कर दिए उन्होंने, और इनको आज तक 2 बार चाकुआ अटैक हुए थे, हम लोग का कुछ एक्शन नहीं लिए, मतलब एकदम नॉर्मल है बोल के खामोश बैठ गए थे। फिर कुछ कैसा है अभी चंद्रनगुट्टा पीएस में भी केस करे थे, तो वहाँ से भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं लिए, अभी माँ भी कुछ भी एक्शन नहीं करे, अभी एक्शन हम करे थे, हम लोग बहना मिल के करे थे, मैं नहीं था, मैं भी आउट ऑफ में गया था, मेरी सिस्टर करी थी केस वहाँ, और वो जो पेशेंट है उन्होंने भी केस करे थे। क्या केस करे थे, जब क्या हुआ जब भी जानलेवा हमला था, जान चाकू उठा के मारने आया था, तो लोग सेफ्टी कर दिए जब वो टाइम, अब ये कोई भी नहीं थे, अकेले बेचारे लेडीज थी बोल के ऊपर हमला कर दिए, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, खाली पुलिस वाले आए देखे ठीक है बोल के चले गए, कुछ भी नहीं दिए। चंद्रनगुट्टा पीएस है ये।
तो उसकी वजह से और हिम्मत बढ़ कैसा करें? हाँ, और हिम्मत और लेडीज को अकेला पा के पाने की कोशिश से जान लेना हमला कर दिया। एक तो बहन को तो 90% कोमा में डाल दिए मेरे को। हाँ? और अब ये मारी सब बहन को दोनों को कलीज बोल दियो ना, मर्डर करते हम लोग। आप हाशमाबाद में रहते हम लोग। आपका एक काम हुआ, ये इंसिडेंट काम हुआ? अभी ये हमारे मामू की बच्ची के घर में हुआ, ये वहाँ आके बैठे थे, पूरा खून में पूरी लिखपित हो हंडी। हाँ, हथौड़ी से इतना बुरा मारे, यहाँ एक मारे और यहाँ एक मारे, दो जगह मार के यहाँ की हड्डी तोड़ डाले यहाँ की। अभी क्या बोले अंदर पीएस हमड़ी? हाँ, कम्प्लेंट भी कराए, कम्प्लेंट भी लिए, तो एक्शन कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ से हमारे को। आप इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे तेलंगाना से जो केसीआर साहब से ये देखो कड़ी से कड़ी सजा देना, और ये सजा देना, इंसान को छोड़ना नहीं। ये हैवान कैसा है? ये हैवान है, इतना बुरा तरीके से मारा है की वजह क्या है? इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। औरत जाते औरत को क्या समझे, मर्द इंसान है जैसा समझे।